इन चार टीमों के पास है इस आईपीएल के सबसे तगड़े कप्तान। आज इस वीडियो में सभी 10 टीमों के कैप्टन्स की रेटिंग और रैंकिंग बताएंगे और इस रैंकिंग्स के आधार पर वीडियो के एंड में जानेंगे कि कौन है वो टॉप 4 टीम्स जो कि सर बहुत मजबूत कप्तानी विकल्पों के साथ उतर रही है। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो भैया फटाफट कर दो। आईपीएल का क्रंच कंटेंट हर रोज आईपीएल की वीडियो सबसे पहले लाते हैं, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट दबाओ और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पर सबसे कमजोर कप्तानी वाली टीम है पंजाब किंग्स की टीम। नीलामी में 32 करोड़ रुपए लेकर गई पंजाब किंग्स की टीम, कोई भी बड़ा कप्तानी का विकल्प खरीद नहीं सकी। एंट्रिम कैप्टन के रूप में शिखर धवन मौजूद है। रिपोर्टेडली सैम करन 2023 में इनकी कप्तानी करेंगे। अगर आप विकल्पों की भी बात करें, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, या तो इन्हें धवन से करवानी पड़ेगी जो कि अच्छा विकल्प नहीं है, जिनके पास भी ज्यादा अनुभव नहीं है और जो भी प्रॉपर कैप्टन नहीं है, या ये सैम करन की तरफ देखेंगे जो सोर्सेस बोल रहे हैं जो भी कप्तान नहीं है। तो पंजाब फंसा हुआ है, ना सैम करन के पास अनुभव है कप्तानी का और ना ही स्पेशली इंडियन प्रीमियर लीग में भारतीय पिचों का। तो जाहिर है सैम करन कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, स्पेशली जब 10 टीमें खेल रही हैं दुनिया की सबसे बड़ी लीग में। तो पंजाब किंग्स सबसे कमजोर मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से 10वें नंबर पर कौन है कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट लिखकर बताओ। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर, हमने रखा है भैया एडन मार्करम को। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी करेंगे इस साल मार्करम। 2016 में खिताब जीता था एसआरएच ने जब कप्तान थे वार्नर, उसके बाद वार्नर हटे तो विलियमसन आए जो भी बहुत अच्छा विकल्प थे। अब स्थिति ये हो गई है 42 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स लेकर नीलामी में गई है हैदराबाद की टीम। मैक्रम को एट द एंड कप्तान बना रही है, चाहते तो ये स्टोक्स तक को भी खरीद सकते थे। अच्छा एक चीज और है कि एडन मैक्रम के पास सबसे बड़ी चीज है कि साउथ अफ्रीका में तो कप्तानी का अनुभव है, तो वो थोड़ा सा फायदा दे देगा, तभी हमने इन्हें नंबर 9 पर रखा है। लेकिन जब बात होती है दुनिया की सबसे बड़ी लीग की, जहां पर दुनिया के सबसे धुरंधर कप्तान और प्लेयर्स खेलते हैं, भैया मार्करम कहीं नहीं ठहरते। तो मेरे हिसाब से एसआरएच बुरी फंसी है 9वें नंबर पर मार्करम है। आपके हिसाब से 9वें नंबर पर कौन है कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट टाइप कर लिख दो। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर कौन है बताएंगे, बट उससे पहले टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया। आईपीएल की पिन पिन बराबर की खबर सबसे पहले यूट्यूब से भी पहले हम लोग टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, फॉलो कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, मजा आ जाएगा आपको टेलीग्राम में, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं सारी अपडेट पिन पिन बराबर की यहां से ज्यादा वहां सबसे पहले आती है। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर, हमने रखा है कलकत्ते की टीम को। केकेआर की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर। विकल्प अच्छा है, फॉर्म में नहीं है और जब आप कंपेयर करते हैं बाकी टीमों से तो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। अय्यर की कप्तानी चली थी 2017 के दौर में जब दिल्ली की टीम ने इनको कप्तान बनाया था, उस समय लग रहा था कि अय्यर एक अच्छा विकल्प होंगे। लेकिन जब हमने पिछले साल का प्रदर्शन देखा, और केकेआर के साथ एक दिक्कत है कि यहां पर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है टीम में, एंड्रे रसल कुछ बोलते हैं, सुनील रैना कुछ बोलते हैं, उनका खेमा अलग है और श्रेयस अय्यर का खेमा अलग है। इनके सीईओ हैं वेंकी मैसूर, वो अपनी धकाते हैं। ये दिक्कत केकेआर को पिछले साल खूब परेशान करी थी, इसलिए इनकी कप्तानी कमजोर हो गई थी, एंड मेरे हिसाब से इस बार भी इनकी कप्तानी कमजोर रहेगी। तो श्रेयस अय्यर केकेआर कमजोर कप्तान के साथ उतरेंगे, नंबर 8 पर हमने रखा है। बाकी आप बता दो आपके हिसाब से किस स्थान पर रहेंगे श्रेयस अय्यर कप्तानी के मामले में केकेआर की। 8वें नंबर पर मैंने रखा, आप बताओ 8वें नंबर पर आपके हिसाब से कौन है कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट लिख दो और लाइक और शेयर कर दो। भैया आईपीएल के जबरे वाले फैन हो, क्योंकि टीमें कहीं भी रैंक हो रही हो, होना जो है वो आईपीएल में ही होना है 2023 में जब शुरू होगा मार्च अप्रैल में, और तभी होना है, फील्ड पर ही पता लगेगा। तो आईपीएल के लिए लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर, हमने रखा है दिल्ली के कप्तान को, नाम है डेविड वार्नर। यार ऋषभ पंत बेहतर विकल्प थे वार्नर से, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में आईपीएल हो रहा है, वार्नर ने पिछले 4 सालों से कोई कप्तानी की नहीं है। हाँ 2016 में डेविड वार्नर ने एसआरएच की टीम को एज ए कैप्टन जिताया था, वो चीज वार्नर के पास रहेगी, बट स्टिल फिर मैं बोल रहा हूं कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ बाद में ही खराब एक्सपीरियंस इन्हीं के कप्तानी के रहे, बाद में एसआरएच की टीम ने वार्नर को कप्तानी से हटा दिया, तो वो कप्तानी पर डेविड वार्नर की सवाल है, वो सवाल हमें देखने को मिलेंगे। और सिर्फ एक साल के लिए आपने इनको कप्तान बनाया, तो ना वो टीम बना सकते हैं, ना वो टीम बिल्ड कर सकते हैं, ना वो अपनी चला सकते हैं। जकड़े हुए कप्तान रहेंगे डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के, इसलिए नंबर 7 पर हमने रखा है। आप कमेंट बॉक्स में जाओ आपके हिसाब से नंबर 7 पर कौन रहेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर, हमने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बेन स्टोक्स को। सीएसके की टीम रिपोर्टेडली इस साल बेन स्टोक्स से कप्तानी कराएगी। अगर ये महेंद्र सिंह धोनी होते तो आप टॉप 2 में इनको देखते, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े कप्तान है। लेकिन हमें पता है कि जैसे ही ये कप्तानी शिफ्ट होगी,
चाहे वो पिछले साल इन्होंने जडेजा को दी हो तो वो भी हमने फ्लॉप होते हुए देखी थी, बाद में जडेजा को इन लोगों ने हटाया, और चाहे इस बार बेन स्टोक्स को दी हो, हमें पता है कि स्टोक्स आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी चेन्नई को, और स्टोक्स जाहिर है इंटरनेशनली इंग्लैंड को सर्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं आईपीएल की तो जाहिर है आपके पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े कप्तान यहाँ पर है, इसीलिए नंबर 6 पर है स्टोक्स। फिर बोल रहा हूँ धोनी होते ना तो ये नंबर 1 पर होती चेन्नई की टीम, और धोनी के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ एक लाइक बनता है, क्योंकि ये चेन्नई की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात है, पूरे देश का नाम रोशन किया है इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में जाकर कप्तानी के मोर्चे पर, और आज स्टोक्स को नंबर 6 पर देखना सचमुच पछता हुआ नहीं लग रहा। खैर आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, आपके हिसाब से नंबर 6 पर कौन होगा कप्तानी के मामले में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। टॉप 5 की शुरुआत हो गई है, नंबर 5 पर हमने रखा है आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को, पिछले साल कप्तानी मिली, इंटरनेशनली नोन कैप्टन है, पूरी दुनिया में नाम चलता है, उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर आप बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तो इस समय पिछले साल के अगर आप प्रदर्शन की भी बात करें तो नैया पार लगाने में सबसे अहम भूमिका प्लेसिस की ही होगी, क्योंकि एक जो दिक्कत है विराट कोहली के जाने से वो कप्तानी ही है, और प्लेसिस उसको भली भांति पूरा करते हुए अभी तक तो नजर आ रहे हैं, इसलिए टॉप 5 में है, लेकिन यार फिर वही बात है कि दुनिया के बड़े तरीन कप्तान यहां पर खेलते हैं और इसीलिए नंबर 5 तक ही इनकी जगह बन पाई। तो अब टॉप 4 में देख लेते हैं कौन है, अगर प्लेसिस भी जगह नहीं बना पाए, स्टोक्स भी नहीं बना पाए, तो आखिर टॉप 4 में हमारी लिस्ट के हिसाब से कौन है सबसे मजबूत कप्तान, चलिए आगे देख लेते हैं। 5वें नंबर पर कौन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नंबर 4 पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, शायद 2 साल पहले ये लिस्ट बनती तो संजू सैमसन नंबर 8 या नंबर 7 पर होते, लेकिन पिछले साल की कप्तानी देखने के बाद ये जरूर कहना पड़ेगा कि राजस्थान रॉयल्स ने बहुत सारी चीजें पिछले साल ही मेगा ऑक्शन में फिक्स कर लिए, चाहे वो खिलाड़ियों इंडियन प्लेयर्स हो, चाहे वो टीम में बैलेंस हो, और चाहे वो कप्तान हो, सैमसन सारी कमी राजस्थान रॉयल्स को पूरी कर दे रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी खबर है, सुखद खबर है, पिछले साल अपनी टीम को फाइनल खिलाने वाले संजू सैमसन को हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर जगह मिली है। आपके हिसाब से संजू सैमसन की जगह कहां होनी चाहिए और नंबर 4 पर आपके हिसाब से कौन होना चाहिए कमेंट बॉक्स नीचे, या फिर बोल रहा हूं अपनी रेटिंग और रैंकिंग भी लिखते हुए चलो फटाफट बताओ कौन रहेगा आपके हिसाब से नंबर 4 तक, मेरे हिसाब से सैमसन। आगे बढ़ते हैं, अब टॉप 3 की शुरुआत हो गई है, नंबर 3 पर हमने रखा है लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को। अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो केएल राहुल की तरफ देखेंगे, हिंदुस्तान की टीम भी फ्यूचर देखती है तो केएल राहुल की तरफ देखेगी, और सेम ही लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी लागू होता है। अगर आप पिछले साल का आईपीएल देखेंगे तो बहुत अच्छी कप्तानी हमने केएल राहुल के हवाले से आते हुए देखी, और इसीलिए लखनऊ का प्रदर्शन पिछले साल बहुत तगड़ा रहा था, तो जाहिर है वो जो प्लेऑफ में पिछले साल पहुंची थी लखनऊ उसका फायदा केएल राहुल उठाकर ले जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने सैमसन से ऊपर केएल राहुल को क्यों रखा है, दरअसल केएल राहुल जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं कप्तानी का, स्पेशली भारतीय टीम की कप्तानी की और भारतीय टीम के लीडरशिप ग्रुप का, वो अनमैचेबल है, और इसीलिए नंबर 3 पर लखनऊ की कप्तानी को रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत की कप्तानी करना एक सचमुच एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, और वो केएल राहुल इस समय लेकर आ रहे हैं। तो आप जब पूरी लिस्ट भी उठाकर देखेंगे ना तो केएल राहुल ही वो खिलाड़ी है आज की परिस्थिति में जो कि इस तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं अभी तक जितने भी मैंने नाम बताए, तो जाहिर है इसीलिए लखनऊ के कप्तान नंबर 3 पर हमने रखा नाम। आपके हिसाब से नंबर 3 पर कौन रहेगा कमेंट बॉक्स में बताओ। बात करते भैया नंबर 2 की, तो मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन था, बहुत सारे तारे सितारे इधर उधर हिल रहे थे, तो मेरे हिसाब से भैया नंबर 2 पर मैंने रखा है रोहित शर्मा को। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि रोहित शर्मा इस पूरे इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे सक्सेसफुल कप्तान है अगर आप उनका ट्रॉफी कैबिनेट उठाकर देखते हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं और जो इस समय भारतीय क्रिकेट में चल रहा है और जिस तरह से बीसीसीआई इसको प्रोजेक्ट कर रहा है वो ये बताता है कि रोहित शर्मा नंबर 2 पर है। उसका कारण मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, और दूसरी बड़ी चीज की फॉर्म एक बहुत बड़ा इशू है रोहित शर्मा के पास। रोहित शर्मा वो टीम नहीं बना पा रहा है, कायरन पोलार्ड चले गए, वो दिक्कत है रोहित शर्मा को अभी भी करनी है मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। और रोहित शर्मा की कप्तानी स्पेशली अगर हम भारतीय टीम के हवाले से बात करें T20 क्रिकेट से ले ली गई है, तो वो भारत के अब T20 कप्तान नहीं रह गए हैं, इसलिए मैंने नंबर 2 पर रखा। हालांकि मेरे हिसाब से नंबर 1 पर होना चाहिए, लेकिन नंबर 1 पर है हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस। रीजन साफ है, इस समय भारत की कप्तानी है, बीसीसीआई को भविष्य दिख रहा है हार्दिक पांड्या में, रीसेंट फॉर्म हार्दिक पांड्या के साथ है, पिछले साल हार्दिक पांड्या ने खिताब जीता है। अगर आप पिछले 5 सालों का 6 साल का आईपीएल उठाकर देखेंगे तो नंबर 1 पर आएंगे रोहित शर्मा, लेकिन अगर आप पिछला 1 साल उठाकर देखेंगे तो
नंबर एक पर आएंगे हार्दिक पांड्या। जाहिर है बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग तरह की बात कर सकते हैं, ना ही मैं गुजरात टाइटंस का फैन हूँ ना ही मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ। हाँ, मेरा झुकाव रोहित शर्मा की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे रोहित शर्मा पसंद है पर्सनली, लेकिन अगर हम पिछले एक साल का आईपीएल उठाकर देखेंगे और बीसीसीआई का इस समय रुख उठाकर देखेंगे, नंबर एक पर कप्तानी का मोर्चा हार्दिक पांड्या संभालेंगे, गुजरात के पास सबसे तगड़ा कप्तान है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मेरे हिसाब से चार टीमें सबसे मजबूत कप्तान के साथ उतरेगी, वो है राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस। टॉप टू रहेगी मुंबई और गुजरात। कभी आपको कुछ मैच में रोहित बहुत तगड़े दिखेंगे, कभी कुछ मैच में पांड्या बहुत तगड़े दिखेंगे, ये दोनों बराबर के ही हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो, आपके हिसाब से कौन सी चार टीमों के पास है सबसे तगड़े कप्तान, यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट कर दो और बेल आइकन दबाओ।